ओम नमः शिवाय। आज भरणी नक्षत्र में चंद्रमा चल रहे हैं। भरणी नक्षत्र में जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो अपने पिता के लिए विशेष रूप से भाग्यवान होते हैं। पिता को उन्नति मिलती है और व्यापारिक या नौकरी जिसमें भी हैं उसमें उन्नति के लिए सहयोग करता है। अब आते हैं राशिफल की पहली राशि मेष राशि के लिए। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। महत्वाकांक्षी योजनाओं में बल मिलेगा, संतान के प्रति सुखद समाचार मिलेगा। पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। उत्साहवर्धन होता रहेगा। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। व्यापार के लिए भी सहयोगात्मक समय हो गया है, प्रयास करते रहें। अब राशिफल के दूसरी राशि के बारे में बताते हैं। आपको अभी भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। कार्य संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। बच्चों के प्रति सहयोगी समय चल रहा है। पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, भाग्य साथ देगा। नौकरी या व्यवसाय में भी उन्नति के अवसर मिलेंगे। राशिफल की तीसरी राशि मिथुन राशि के लिए बताते हैं। चंद्रमा आज एकादश भाव में चल रहे हैं। मन में प्रसन्नता रहेगी। बच्चों के प्रति रवैया अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। उत्साहवर्धन कार्य होंगे। मन प्रफुल्लित रहेगा। भाग्यवश अच्छे काम होंगे। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देते रहें। आज का समय बहुत अच्छा है आपके लिए। व्यवसाय संबंधी सकारात्मक निर्णय ले सकते हैं। गाय को हरा चारा खिलाएं, अनुकूलता मिलेगी। राशिफल की चौथी राशि कर्क राशि के लिए बताते हैं। कर्क राशि के लिए चंद्रमा अभी दसवें भाव में गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहें। कार्य क्षमता बढ़ेगी आपकी। मन लगेगा काम करने में। व्यवसाय संबंधी अनुकूलता मिलेगी। नौकरी में अधिकारियों का सहयोगात्मक रवैया आज अच्छा रहेगा, मिलेगा। राशिफल की पांचवी राशि सिंह राशि के लिए बताते हैं। आज चंद्रमा आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए धार्मिक रूप से प्रसन्नता का अनुभव होगा। थोड़ा पूजा पाठ आज करें, मन प्रसन्न रहेगा। महत्वाकांक्षाएं पूरे होंगी। विद्यार्थियों के लिए ये समय आज का अच्छा है। पढ़ाई में मन लगाएं। व्यवसाय के लिए अच्छा समय चल रहा है। नौकरी में अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। राशिफल की छठवीं राशि कन्या राशि के लिए बताते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मन प्रफुल्लित रहेगा। कार्य योजनाओं में थोड़ा लापरवाही हो सकती है। गाय को हरा चारा खिलाएं। संतान संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा रुकावट भरा समय हो सकता है। विशेष तौर से सांसों से संबंधित समस्याओं का अंदेशा बनता है, इसलिए मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य पर ध्यान दें। राशिफल की सातवीं राशि तुला राशि के लिए बताते हैं। तुला राशि से चंद्रमा सातवें चल रहे हैं। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। माता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। मन अकारण भयग्रस्त रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी चिंता को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे चीज़ों के लिए आपका समय अच्छा माना जाएगा। कार्य योजनाओं को बल मिलेगा। धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा। राशिफल की आठवीं राशि वृश्चिक राशि के लिए बताते हैं। वृश्चिक राशि से चंद्रमा छठवें चल रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। मन में कड़वाहट न लाएं, किसी से भी मीठा बोलें। बातों में उलझन हो सकती है। कार्य संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में थोड़ा खर्च हो सकता है। बच्चों के पढ़ाई में भी खर्च होने का अंदेशा बनता है। राशिफल की नवीं राशि धनु राशि के लिए बताते हैं। चंद्रमा आपके पांचवें घर में गोचर कर रहे हैं। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। मेहनत करेंगे तो कार्य योजनाओं को बल मिलेगा। धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा। व्यापार के लिए अच्छा समय है, कोई निर्णय ले सकते हैं। कार्य योजनाओं में बल मिलेगा।
राशिफल की दसवीं राशि मकर राशि के लिए बताते हैं। मकर राशि के लिए माँ का स्वास्थ्य अनुकूल मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ी परेशानी हो सकती है, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। नौकरी या व्यापार के लिए समय अच्छा है, कुछ सोच रहे हैं नया करने के लिए तो कर सकते हैं। धन संबंधी मामलों में सहायता मिलेगी, रुके हुए धन भी मिल सकते हैं। राशिफल की 11वीं राशि कुंभ राशि के लिए बताते हैं। चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, मन उत्साहित रहेगा, कार्य करने में मन लगेगा, धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा, व्यापार के लिए नए अवसर मिल सकते हैं, अचानक धन लाभ की स्थिति बन सकती है, नौकरी के लिए अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, कार्य योजनाओं को बल मिलेगा। राशिफल की 12वीं राशि मीन राशि के लिए बताते हैं। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, वाणी से लाभ मिल सकता है, व्यापार में ग्राहकों से अच्छे से पेश आए, धन लाभ मिलेगा, नौकरी संबंधी मामलों में भी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य के लिए ध्यान दें, बच्चों से संबंधित पढ़ाई में खर्च हो सकते हैं, आप आज के कार्य को कल के लिए न टालें, आज ही कर दें। राशिफल के फलादेश हो सकता है किसी किसी को बहुत ज़्यादा टैली ना करे, ये आपके अपने कुंडली के अच्छे समय और ख़राब समय के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है लेकिन यदि फलादेश में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं बताई गई हैं तो वो अच्छी होंगी, लेकिन यदि समय आपकी कुंडली का अच्छा नहीं चल रहा है और कुछ चीज़ें अगर अच्छी बताई जा रही हैं तो उसमें भी थोड़ी कमी आने की संभावना बनती है। ओम नमः शिवाय।